नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्वीपर कम पीएन का एग्जाम हुआ था कि उसका कट ऑफ मार्क्स कितना जाने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं और ईमेल्स भी आ रही हैं कि सर कट ऑफ मार्क्स कितना जाने वाला है, उसके लिए वीडियो बनाइए प्लीज़। तो चलिए, उसी के लेके मैंने आज ये वीडियो बनाई है और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, तो उनका मैं शुक्रिया करता हूँ, उन लोगों का सबका। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि उसका कट ऑफ मार्क्स कितना जाने वाला है, उसकी प्रिडिकेशन आप चाहते हैं कि मैं करूँ, तो उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप अगर मेरी मदद करेंगे तो तभी मैं वो जो है वो बता पाऊँगा आपको कट ऑफ मार्क्स कितना जाने वाला है, कि आने वाले 2 दिनों में या 3 वालों में या 4 दिनों में या 10 दिन के अंदर, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मुझे सपोर्ट करते हैं। अब बात रही सपोर्ट की कि किस तरह की सपोर्ट चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो किस तरह से सेट होता है और किस तरह से वो आता है। दोस्तों, क्या होता है, कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है। मीन्स कि जैसे लोगों ने एग्जाम दिया, 100 लोगों ने, ठीक है, तो मार्क्स जो टोटल मार्क्स थे वो थे 100 मार्क्स का ही एग्जाम था, 100 लोगों ने ही अटेम्प्ट किया, तो उसकी जो मेजॉरिटी है उसमें से समझ लीजिए 70 लोगों ने जो मार्क्स हैं उसमें 70 नंबर का पेपर किया, या 80 लोगों ने 70 नंबर का पेपर किया है। मतलब सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी हुई, 80 वालों की। 20 वाले तो गए, वो कम वाले थे, 50 वाले, 40 वाले थे, जितने भी उन्होंने किया, लेकिन ज्यादा लोगों ने 80 मार्क्स का एग्जाम किया है। मतलब इतना ही ज्यादा हाई जो है उसका कट ऑफ जाएगा, ठीक है, 80 मार्क्स का कट ऑफ जाएगा। अगर 80 नंबर का सबसे ज्यादा लोगों ने पेपर किया है तो इसका मतलब कट ऑफ मार्क्स भी 80 नंबर का जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ मार्क्स किस तरह से सेट होता है, वो होता है मेजॉरिटी पे, जितने नंबर का लोगों ने किया है एग्जाम, ज्यादा लोगों ने जितने नंबर का किया होगा उसी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स जो है वो सेट होता है। अब रही बात दोस्तों कि आपकी सपोर्ट मुझे क्यों चाहिए इसको बताने के लिए, दोस्तों अगर मैं रिजल्ट बता सकता हूँ, प्रिडिकेशन कर सकता हूँ कि कितना जाएगा कट ऑफ मार्क्स, वो आपकी सपोर्ट के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपने कितने नंबर का किया है, आपको पता है कि मैंने 70 नंबर का किया है, 40 का किया है, जितने भी नंबर का किया है आपको पता होता है, इंसान को पता होता है कि मैं यार कितने नंबर का करके आया हूँ, ऐसे किया है, तुक्का मारा है, जितना भी किया है, सबको अपना अपना पता होता है दोस्तों, सिर्फ हमें दूसरे से जानना होता है कि बताओ यार, तो वही चीज़ होती है हमें। तो देखिए, आपने जितने भी नंबर का मार्क्स किया है, डोंट वरी, आप सिर्फ एक कमेंट कीजिए मेरी वीडियो के नीचे कि मैंने इतने नंबर का किया है, 70% का, ठीक है, आपने सिर्फ नंबर बताने हैं, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बताइए सिर्फ कि 70 मार्क्स का किया है, 80 मार्क्स का ठीक है, 40 मार्क्स का ठीक है, 50 मार्क्स का ठीक है, जितना ठीक है सिर्फ उतने मार्क्स का कमेंट कीजिए। दोस्तों, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर उसकी एवरेज मैं निकालूंगा कि इतनी मेजॉरिटी है, इतने लोग मैसेज करें, देखिए दोस्तों, 1000 करें, 200 करें, जितने भी करें, मतलब लोग एक जैसे ही होते हैं, सबने तैयारी मुझे पता है कितनी की होती है लोगों ने, तो आप जितना कमेंट करेंगे फिर उसी की एवरेज के हिसाब से हम 5 दिन के बाद या मैं 10 दिन के बाद आपको बताऊंगा, या अगर आज ही ज़्यादा कमेंट्स आ गए मुझे, 500 आज ही कमेंट आता है तो आज ही फिर मैं उसे चेक करूंगा और देखूंगा कि ज़्यादा मेजोरिटी किस में आ रही है, तो आप भी खुद जान सकेंगे, आप भी कमेंट को वॉच कीजिए, देखिए कि हाँ यार इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने लोगों ने इसी हिसाब से किया है पेपर, तो आप खुद भी उसे जान सकेंगे। तो मैं भी उसकी प्रिडिकेशन निकालूंगा स्पेशल, उसके जो कमेंट्स होंगे सारे के सारे मैं टोटल वॉच करूंगा, ठीक है, जो भी वीडियो के नीचे आते हैं तो कमेंट करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, और फिर मैं देखता हूँ कि कितने जो है कमेंट आते हैं, कितने लोग किस मेजोरिटी पे हैं, तो फिर रिजल्ट के बारे में भी कट ऑफ बात करेंगे हम कि कितना कट ऑफ जो है वो जाने वाला है दोस्तों। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले और वो भी कमेंट करें, और फिर तभी रिजल्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा जो प्रिडिकेशन है वो अच्छी हो पाएगी, 100% चांसेस होंगे कि हाँ इतना कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।